क्या लोकसभा चुनाव खत्म होने के पहले तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है? क्या जमानत को लेकर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट करने वाला है? क्या लोकसभा चुनाव के चलते सीएम केजरीवाल को मिल जाएगी बेल? जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी के बाद कई सारे अब सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह आगामी चुनाव के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद आबकारी नीति मामले में उनके रिमांड में समय लग सकता है। ऐसे में कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि वह मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते समय इस पहलू पर तैयार होकर आए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ती की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे न माने कि कोर्ट जमानत दे ही देगी। उन्होंने कहा, हम बेल भी दे सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हम हर पक्ष के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ईडी से भी विचार करने के लिए कहा है कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो उन पर शर्तें भी लगाई जाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 3 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से 7 मई को अब सुनवाई होने वाली है, क्या इसमें अहम फैसला आ सकता है? क्या वाकई में जमानत केजरीवाल को मिल जाएगा या फिर कुछ और बातें हो सकती है? क्या नियम और शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत मिल सकती है? ये देखना काफी दिलचस्प होगा और इसके लिए इंतजार करना होगा 7 मई तक का। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो जरूर करें।